हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे एक पीठा। इसके लिए एक नारियल तोड़ के ऐसे रख दिया है, इसको पीस लेंगे, और थोड़ा सा गुड़ और एक छोटा सा काप का एक कप चावल, इसको 3-4 घंटा भिगा के रखा था, इसको पीस लेंगे। इसके लिए चाहिए एक मिक्सर जार, इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे चावल डाल दिया है, इसको पीस के ले आती हूँ। और नारियल भी पीस लेंगे, इसके लिए और एक छोटा सा एक मिक्सर जार ले लेंगे, इसको नारियल डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। दो ही पीस लेती हूँ, हमारे दोनों ही पीस गया है, इधर नारियल भी पीस गया है और इधर चावल भी पीस गया है। पहले नारियल तो निकल लेती हूँ। नारियल हटा देती हूँ, एक बोल ले लेती हूँ, ये वाले पेस्ट डाल देती हूँ चावल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसमें थोड़ा पानी से धो के डाल देती हूँ। इसमें चावल में पानी डाला नहीं था, जो चावल का पानी है उसी में पीस गया है। इसमें से पानी दिया, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। अच्छी से स्मूथ होके हुआ है, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, तो मिक्सर डाल में धो धा के डाल देती हूँ हाफ कप करीब पानी। इसको अच्छी से घोल लेंगे, थोड़ा सा पतला ही रखेंगे। इतना ही पतला रहेगा और पानी नहीं चाहिए इसमें। इस तरह। चलिए नारियल बना लेती हूँ। पहले चूल्हा मैंने जला दिया है, फ्राई पैन बिठा दिया, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी, और 2 इलायची हरा, इसको ऐसे छुड़ा के डाल देंगे, बहुत अच्छा खुशबू आएगा। डाल के इसको अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लिया है, अब डाल देंगे नारियल। पिसा हुआ नारियल भी थोड़ा घुन लेंगे घी का साथ। नारियल को भी थोड़ा सा घुन लिया है, आप डाल देंगे गुड़। डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। गुड़ गलने में देर हो रहा है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, इतने सारे मेल्ट हो जाएगा। गुड़ और नारियल सब एक साथ मिल गया है, हम
चूल्हा बंद कर देती हूँ। देखिए पूरा पक गया है। अब एक पैन बिठा दिया है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, डाल के इसको अच्छी से मोछ लेंगे। अब देंगे इसमें थोड़ा सा आटा, अब बन गया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नारियल। अब इसको ऐसे पलट देंगे। देखिए बन गया है हमारे एक पीठा। बहुत ही नरम मुलायम एक सुंदर सा पिटा बन गया। इसका मैंने उठा लेंगे। इसी तरह मैं सारे बना लेंगे। इसी तरह छोटा छोटा करके सारे बना लेंगे। दे देंगे नारियल। आप इसको इस तरह पलट देंगे, इसको इस तरह पलट देंगे, इसको इस तरह पलट देंगे, इस तरह पलट देंगे। देखिए मेरा बन गया है। इसी तरह हम सारे उठा लेंगे। इसी तरह छोटा छोटा करके सारे बनाएंगे। बहुत ही टेस्टिंग, बहुत ही यम्मी बनेगा, कम समय के अंदर बन जाएगा।
इसी तरह मैंने सारे कागज कागज नरम नरम पीठा बना लेंगे। गर्म है बहुत। तरह मैं सारे बना लेती हूँ। एकदम कागज के जैसे पतला पतला बना है, बहुत ही टेस्टिंग यम्मी और बहुत ही आसान इजी। इस तरह बहुत ही कागज का जैसे पतला पतला बने हैं। उठा लेती हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। सर्दी जा रहा है, पीठा नहीं खा नहीं होगा, इसीलिए जल्दी बना लिया। लीजिए, हमारे सारे पीठा बन गया है बहुत ही कम समय के अंदर। एक कप चावल से और थोड़ा सा नारियल से इतना सारे कागज कागज पतला पतला पीठा बना है। बहुत ही खाने में टेस्टिंग यम्मी लगेगा। चलिए रेसिपी देख लेती हूँ। रेसिपी अच्छा लगे तो जरूर शेयर कमेंट जरूर करना। बहुत ही अच्छा, एकदम कागज जैसे पतला पतला और बहुत ही टेस्टिंग, बहुत ही यम्मी। बिस्मिल्लाह, बहुत ही अच्छा। अपना आप बनाओ, खाओ, सर्दी का मौसम है, अच्छा लगेगा। और खुश रहना, मुस्कुराते रहना। अल्लाह हाफिज़।